सभी भाई को जय श्री राम। केरला से और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। अंधार का मौसम बड़ा ठंडा हो रखा है, यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है, रूम में भी बहुत गर्मी है। अभी फिलहाल ये सामान पड़ा हुआ है, इसको लेके नीचे जा रहा हूँ, नीचे बांधता हूँ और जल्दी निकलते हैं क्योंकि अभी कन्याकुमारी है 650 किलोमीटर। गूगल मैप दिखा रहा है 14 घंटे, यानी कि 7 से 7-8-9 बज जाएंगे, लेकिन 9 नहीं 8 बजे तक जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे। फिलहाल तो अभी इसको सामान को पैक करके जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो ये यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर जो आता है वो पड़ा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा किसी को कुछ समझ आ रहा है तो बताओ भाई, मुझे तो इसमें यही समझ आ रहा है। ये भी भारत ने पाकिस्तान, ये भी भारत ने पाकिस्तान, तो हमारे भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इसकी लैंग्वेज में जो मुझे समझ आ रहा है। ये था अपना होटल, होटल ऑक्सफोर्ड लंदन, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है इसका। यहाँ लैंग्वेज ऐसी है, इंग्लिश में काम हो पाएगा अपना। तो फिलहाल सुबह के करेक्ट 7 हो गए हैं और अभी निकलते हैं। गूगल बाबा दिखा रहे हैं 14 घंटे 43 मिनट, 710 किलोमीटर। कोई नहीं, देखते हैं, हाथ तो पहुंचेंगे नहीं, बाकी कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे सूरज इतना ऊपर आ गया तो गर्मी तो ऐसी रहेगी। ये चलते चलते थोड़ी हवा लगती है, फिर पसीने से बुरा हाल है भाई। ये तो तब है जब मैं दिसंबर में आया हूँ, फरवरी मार्च अप्रैल के बाद तो हालत ख़राब है इधर भाई, अपने बस की नहीं है ना। और तो अभी कितना बाकी है, 7-4 किलोमीटर चला हूँ क्या यार। एक तो यहाँ के रोड लंबे हैं या तो, या किलोमीटर गलत लिखे हुए हैं यहाँ के। मुझे तो इस गूगल मैप का ही समझ नहीं आ रहा है, जब नेशनल हाईवे है तो अंदर क्या कराने लेके गया था मुझे, अंदर घुसा के बाहर वाले निकाल के बोलता है टर्न राइट टू नेशनल हाईवे, जो अंदर क्या करने गया था मैं जब यही हाईवे। और सूरज इतना तेज पड़ रहा है ना सामने से जब आ रहा है, तो आगे का दिख ही नहीं रहा है, तो डबल वाइजर है तो ब्लैक वाला ऊपर नीचे करके काम हो जा रहा है। अरे वाह क्या शानदार नज़ारा यार। देख लो ये गूगल ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अभी मैं नेशनल हाईवे पे चल रहा था, अभी इन गलियों में घुसा दिया है, फिर से सामने वो हाईवे आ गया है शायद, लेकिन ये उल्टा सीधा कहीं भी लेके जा रहा है क्या। हाँ ये फिर से नेशनल हाईवे 66 आ गया, लोकेशन क्या डली हुई है मुझे तो यही पता नहीं लग रहा। ये गलत फंस गया, अभी यहाँ पे एक ट्रेन आएगी और 4-5 मिनट लगेंगे पूरे। तो मैंने अभी 1 घंटे 6 मिनट में कवर किया है 60 किलोमीटर। यहाँ पे एवरेज थोड़ी कम आ रही है क्योंकि रोड भी ख़राब है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है। क्या बोलते हैं स्प्लेंडर लाला स्प्लेंडर ला। वो ये तो वंदे भारत है, मुझे लगा नॉर्मल ट्रेन होगी, ये तो वंदे भारत है। लो जी मैप के अकॉर्डिंग ये नेशनल हाईवे 66 है, यहाँ लोगों के गेट खुल रहे हैं मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, सॉरी ऐसा हाईवे है ये, कोई अंदर से बाहर आया सीधा नेशनल हाईवे पे, कोई पैदल जा रहा है तो सीधा नेशनल हाईवे पे, बढ़िया है। और इसके ये जो घर है इनके बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे ही समुंदर है जैसा मैप में दिखा रखा है। यहाँ पे तो मुझे दुकान ही समझ नहीं आ रही है, कौन सी चाय की है, कौन सी फ्रूट की है, कौन सी जनरल स्टोर है, सब एक जैसा है टोटल। ये ना हाँ तेरी भैंस की है बस वाला। एक दिन में 600 किलोमीटर। अभी 10:30 हुए हैं और मेरे पास पूरे 450 किलोमीटर का टारगेट है। सुबह से 210 किलोमीटर के 450 260 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ मैं, सॉरी। हाँ
और भाई किसी को तरबूजे खाना हो तो बताना, मेरे पास फटे हुए तरबूजे हैं दो, बहुत दर्द हो रहे हैं, मैं दान करना चाहता हूँ। अब इसकी चेन टाइट करा लेते हैं। ये पता नहीं क्या नई चीज है, इधर लोग सूखा सूखा ज्यादा खाते हैं, ऐसा लग रहा है सूखी रोटी खा रहा हूँ, पता नहीं क्या ही चीज है। उधर चेन टाइट करते हैं भैया, तो अभी जहाँ पे चैन सेट करवा रहा था उन भैया ने बताया कि केरला में कैमरा अलाउड नहीं है, और मुझे लगभग मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा हो गया मैं कैमरा लगा के चल रहा हूँ। ये कहाँ अटक गया, 500 किलोमीटर के आसपास हो गया और मैं कैमरा लगा के चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। कोई नहीं, अभी जहाँ रुकूँगा वहाँ निकाल के रख दूँगा, आज रात तक की बात है। तो गूगल मैप के अनुसार ये एक हाईवे है जिसका नाम है NH66, गोवा से लेके पूरा ये NH66 है। ये देखो छोटे से बैंड हैं, सामने का कुछ दिख नहीं रहा, पर वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे है, पहाड़ों में बहुत गाड़ी चलाई है ना। आगे दोबारा से मेन रोड पे आएगा, मेन रोड आ जाएगा आगे। ऐसा एक भाई और मिला अपने को, भैया क्या हाल है? बढ़िया, किधर से आ रहे हो? जम्मू कश्मीर से। कितने दिन हुए? 5 महीने हो गए। आपको? मेरे को तो 5वां दिन है आज, 6ठा दिन है। अच्छा, आप दिल्ली से आए? हाँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। कहाँ से हो गया है? मैं इधर ये आपका राजस्थान, गोवा, मुंबई, ये सब। राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई। हाँ। कर्नाटका होते हुए। कन्याकुमारी से कहीं आप? हाँ, कन्याकुमारी से उधर से बैंगलोर से वापस निकल जाऊँगा मैं। रामेश्वरम वगैरह जाना होगा? हाँ। तो अच्छा, टेंट वगैरह सब है आपके पास? लगाते कहाँ पे वो टेंट? कहीं भी लगा देता हूँ, पेट्रोल पंप में, कहीं भी जगह मिले। हाँ, पेट्रोल पंप ज़्यादातर मेन है। आप? मैं तो पेट्रोल पंप यहाँ लगाने की सोच रहा था, लेकिन मैं तो मेरा ये झंडा दूसरा है ना, इस वजह से थोड़ा सारे, हाँ यहाँ सारे वो दिक्कत है, यहाँ मतलब ही नहीं पूछने का मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ, होटल लेना पड़ता है, क्या करें। वही तो चीज है, मेन चीज वही है। चलो सर, ओके, थैंक यू। ये आया केरल का गुड़गांव जैसा एरिया, बहुत बढ़िया घर बने हुए हैं, ऊंची ऊंची मंजिल भी है, मैरियट है, ये लुलू ऑफिस है, ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ना, लुलू ऑफिस है। और ये 10-10 गज के रोड है यहाँ पे, इनका भी टोल टैक्स कटता है इनका, के इसका केरला का तो बेड़ा ही गर्क होया पड़ा है। इसे NH66 नाम दे रखा है इस हाईवे को, बताओ। और जाम देख लो इस हाईवे पे, ये हाईवे बीच में से टूटा हुआ। अरे तेरी का, यहाँ तो मेट्रो स्टेशन भी है। ओ भाई, मेट्रो भी चलती है यहाँ, मुझे लगा ये नेशनल हाईवे सब कुछ है यहाँ पे। ये रोड ऐसे लग रहा है जैसे अपने दिल्ली का रोड हो, वजीरपुर, मजलिस पार्क, पंजाबी बाग, ये सब वाला दिखतो वैसा ही है, बिल्डिंग भी ऐसे ही है, रोड भी ऐसा ही है, जाम भी उतना ही है, मतलब इधर नहीं है जाम, पीछे था। अभी यहाँ से कन्याकुमारी दिखा रहा है 288, 7:11 और टाइम हो गया है 3:22, तो यानी कि 3:30 से 7:30 बजे तक का टाइम दिखा रहा है ये।
अभी दिखा रहा है लेकिन पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि 7-7:30 बजे होटल ले लूँगा, 100 किलोमीटर के आसपास बचेगा, वो कल सुबह कवर करेंगे। तो ये सिकंजी फेमस है, इसमें कोई ये फ्रूट का कोई वो है वो डलता है, रस और नींबू और सोडा। अभी एक गिलास भी है, थोड़ा टेस्ट अजीब है लेकिन बहुत बढ़िया है। अभी कन्याकुमारी बाकी है 288 किलोमीटर। ये गर्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पे, चलो कोई नहीं, गर्म तो होएगा ही। हो ये जाम वाला रास्ता ना मिले ना तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। अब तो 11 बजे का टाइम दिखा रहा है। रात को होटल वाला बोल रहा था यहाँ पे गर्मी है, रात को चलो, तो आज रात को ही चलेंगे। कल सुबह आराम से उठेंगे, पूरा दिन घूमेंगे, कल कहीं नहीं जाना। कल दो, आज की रात कल की रात एक ही जगह। देख रहे हो, देख रहा है विनोद, इसका तो हिसाब किताब सही से टिक भी नहीं रहा है बाइक पे। खाम का बेचारे की जान निकाल रखी है। काया देख रहे हो, चारों ओर को फैली पड़ी है। गिरेगा गिरेगा, मोटे गिरेगा आराम से। और भाई था अभी तो टंकी पे लगा पड़ा है पेट लेके, इसकी वजह से और नोट भी बच्ची लग रही है इसके ऊपर। तो शाम के 5 बज गए हैं और सुबह 7 बजे चला था, पूरे 10 घंटे में पूरे 500 किलोमीटर कवर किया है। 1 घंटे में 50 की एवरेज आई है। वो तो रोड इतना ख़राब था, तब रोड थोड़ा ठीक होता तो और भी जल्दी पहुंच जाते। और फिलहाल त्रिवेंद्रम यहाँ से बाकी है 150 किलोमीटर, तो त्रिवेंद्रम ही रुकूँगा मंदिर दर्शन करके। उसके आगे 70-80 किलोमीटर कन्याकुमारी बचेगा, कन्याकुमारी हो जाएंगे कल शाम तक कन्याकुमारी। शाम तक क्या, 2 घंटे का भी रास्ता नहीं है। और हालत बहुत ख़राब हो गई है, चेहरे पे धूल मिट्टी लग लग के ना पूरा काला हो गया है। ये लग रहा है गुड़गांव जैसा, गुड़गांव हो या नोएडा हो, चमक धमक और शाइनिंग पोलिंग बोर्ड। अब ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे बाहर आया हूँ, बस यहाँ की भाषा थोड़ी अलग है ना, ये लग उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। देख रहे हो क्या शाइनिंग कर रहे हैं सारे में। अच्छा मस्जिद भी है क्या यहाँ पे, आवाज तो आ रही है जान की। तो ये लो भाई लड़कियों, तुम्हारे लिए केरला में पिंक कलर की बस भी चल रही है, टोटल पिंक है, कोई ग्राफिक नहीं, कोई प्रिंट नहीं, कुछ नहीं, टोटल पिंक। छोटी सी है ये, लड़कियों को ही बैठाता होगा, इतने बड़े में इतनी छोटी सी बस है, 4-5 लड़कियाँ आ जाती होंगी तो भी भरी जाती होगी ये। तो पिंक कलर की बस चल गई है तुम्हारे लिए भाई। इनको क्या मरी पड़ रही है, यहाँ पे रोड बंद करके खड़े हो गए थे, FIY पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये रात में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यहाँ दिन में होते हैं रात में कर रहे हैं, सारा रोड जाम कर दिया इनके चक्कर में। देख रहे हो पूरा जाम लगा रखा है यहाँ से वहाँ तक, कहाँ तक ही है पता नहीं। तो अभी के लिए ये एक छोटा सा कमरा है, अभी के लिए यही है जो है, और इसका रेट यहाँ पे 700 रुपये है, क्योंकि ये मंदिर के सीज़न का टाइम है। अभी नहा धो के फिर जाऊँगा बाहर खाना खाने, और कल जाएंगे मंदिर और कन्याकुमारी और धनुषकोड़ी में, कल ही पहुँच जाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।